नमस्कार, राजनीति में आपका स्वागत है। राजनीति में आज बात नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 की। सरकार संख्या बल के बूते लोकसभा से इस विधेयक को पास करा चुकी है। राज्यसभा में अभी यह विधेयक पास नहीं हुआ है, लेकिन अब इस विधेयक को लेकर सरकार की परेशानी बढ़ रही है। विपक्षी पार्टियों के बाद अब बीजेपी के सहयोगी भी इस विधेयक पर असंतोष जाहिर कर रहे हैं। असम गण परिषद इसके विरोध में सोनोवाल सरकार से बाहर हो चुकी है। वहीं JDU भी अब इस विधेयक का विरोध कर रही है। आरोप लग रहे हैं कि नागरिकता से जुड़ा ये विधेयक देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है, इसलिए इस कदम के पीछे सरकार की मंशा पर भी सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस के प्रवक्ता घनेन्द्र भारद्वाज, हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने पत्रकार दीपक दीवान, और चर्चा में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं JDU अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अफजल अब्बास साहब। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में क्या हो रहा है। पिछले एक महीने से पूर्वोत्तर भारत में गुस्से और नाराजगी का आलम है, और लोग अपनी इस नाराजगी का इजहार सड़कों पर उतरकर कर रहे हैं। सरकारी दफ्तर बंद कराए जा रहे हैं, रास्ते रोके जा रहे हैं, और 23 जनवरी को गुवाहाटी में 35 संगठन मिलकर नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में है। ये सब कुछ हो रहा है नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 के खिलाफ। सरकार ने लोकसभा में ये विधेयक पास तो करा लिया, लेकिन शायद बीजेपी को भी अंदाजा नहीं था कि उसके इस फैसले का पूर्वोत्तर में इस कदर विरोध होगा। हम लोग जमीन पर संघर्ष कर रहे हैं, हमारे वर्कर मारे जा रहे हैं, हमें रैली करने की इजाजत नहीं दी जा रही, हमारी रथ यात्रा रोकी गई है, धार्मिक आजादी पर पाबंदी है, पूजा पंडालों पर पाबंदी लगा देती है। कांग्रेस, AIUDF और पूर्वोत्तर भारत के सामाजिक संगठन तो नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध पहले से ही कर रहे थे, लेकिन अब तो NDA में शामिल दलों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। असम की महत्वपूर्ण पार्टी असम गण परिषद इसी कानून के विरोध में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार से अलग हो गई है। आसार ये भी है कि असम में NDA में शामिल बोडो पीपल्स फ्रंट भी सोनोवाल सरकार से समर्थन वापस ले सकता है। त्रिपुरा में बीजेपी की सहयोगी IPF भी इस विधेयक का विरोध कर रही है। अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री गिगांप अपांग ने भी इस विधेयक के विरोध में बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। NDA में शामिल मिजो नेशनल फ्रंट भी नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध कर रहा है, और अब तो नीतीश कुमार की पार्टी JDU ने भी इस विधेयक के विरोध में आवाज बुलंद की है। लोकसभा में भी हमने विरोध किया था, तब प्रश्न नहीं उठाया था आपने। आज हम राज्यसभा में विरोध करेंगे, तब प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? आसाम संशोधन विधेयक जो राज्यसभा में आएगा, पार्टी ने उसका विरोध करने का तय किया। आर्टिकल 370 हम उनसे अलग हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड हम उनसे अलग हैं, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के सवाल पर हमारा मानना है कि अदालत का फैसला सबको मान्य होना चाहिए। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 में अवैध प्रवासियों की परिभाषा बदलने का प्रस्ताव है। इस विधेयक में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। सिर्फ मुस्लिम प्रवासियों को इस संशोधन का लाभ नहीं मिलेगा। मोदी सरकार के इस विधेयक को देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ बताया जा रहा है। विरोधियों का कहना है कि ये विधेयक अगर कानून बन गया तो देश की नागरिकता देते समय धर्म के आधार पर भेदभाव होने लगेगा। ऐसे में सवाल ये है कि क्या नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 वाकई देश में धर्मनिरपेक्ष ढांचे के खिलाफ है? सवाल ये भी है कि क्या नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर बीजेपी फंस गई है? और बड़ा सवाल, क्या बीजेपी ने नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 का दाव पूर्वोत्तर के मतदाताओं को धर्म के आधार पर बांटने के लिए चला है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अफजल साहब, आपसे शुरू करते हैं। आपकी पार्टी NDA में है, आपने लोकसभा में विरोध किया, आपको मालूम था कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बीजेपी के पास नंबर्स थे, लेकिन अब राज्यसभा में भी आप कह रहे हैं कि आप विरोध करेंगे, ऐसा क्यों? देखिए राजीव, इसके पहले जब दिल्ली में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी पार्टी ऑफिस में, उस वक्त ये हम लोग रेजोल्यूशन आया था कि हम इसके खिलाफ हैं।
तो ये लोकसभा चलने से पहले ही पार्टी ने निर्णय लिया था कि हम इसका विरोध करेंगे। ये आसाम की भाषा ही आसाम की अस्मिता का सवाल है। और बिल्कुल अब जो आप देख रहे हैं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता केश त्यागी साहब ने इस बारे में स्पष्ट क्लियर कर दिया कि हम तीन चार मुद्दे पे हम पहले से स्टैंड मेरा क्लियर है। राम जन्मभूमि का मामला हो, कॉमन सिविल कोड का मामला हो, आर्टिकल 370 की बात हो या फिर ये सिटीजनशिप बिल की बात हो, हम तो पहले से इसको बोल चुके हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा हम समझते हैं कि माथापच्ची करने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन चूंकि वहाँ के लोगों की भावनाओं का कद्र करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी ने फैसला लिया कि हम इसका विरोध करेंगे। ठीक है दीपक, ये बताइए हमको कि असम के अलावा अन्य राज्यों में जो इसका विरोध हो रहा है, जैसे कि मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, लेकिन दो जगह बीजेपी की सरकारों ने भी इसका विरोध किया है कैबिनेट में प्रस्ताव पास करके, मणिपुर में और अरुणाचल में, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए ये जो इशू है इस पे ये जो वहाँ के नेता हैं उन लोगों ने वहीं पे रहना है। आज वो बीजेपी में है, कल वो किसी और पार्टी में भी जाते हैं, तो उनको इलेक्शन वहीं लड़ना है। उनका फ्यूचर जो है वो सब लोकल इशू पे है। लोकल इशू यही है कि विदेशियों को वहाँ से निकाला जाए। ये सब सरकारें एनआरसी की डिमांड कर रही हैं। अब आप उनसे उम्मीद करो कि वो ये अमेंडमेंट बिल को एक्सेप्ट करें, ये नहीं हो सकता। देखिए मेघालय में तो कैबिनेट में ये पास कर चुके हैं पहले ही कि इस बिल के वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नागालैंड गवर्नमेंट ने भी किया, और जो मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं मुकुल ये अपना कॉनराड संगमा, उन्होंने तो ये भी कहा है कि अगर जिस दिन ये राज्यसभा में पास होगा वो बीजेपी से रिश्ता तोड़ देंगे। क्योंकि देखिए जैसे मैंने आपको पहले बोला, वो सब लोकल नेता हैं, उनका जो इंटरेस्ट है, फ्यूचर है, वो नॉर्थ ईस्ट में है। मणिपुर में डिप्टी चीफ मिनिस्टर एनपीपी का है, और नागालैंड में भी एनपीपी के लोग हैं सरकार में, तो उनका फ्यूचर जो है वो लोकल इश्यूज पे है। ये जो बात है मिस्टर अफजल जी से मैं पूछना चाहूँगा, जब ये बिल लाया गया क्या एनडीए की सारी जो अलाइज हैं आपसे कभी कंसल्ट नहीं किया गया उनको? बहुत अच्छा सवाल। नहीं नहीं बिल्कुल सही, आप सवाल तो बहुत अच्छा है कि मैं समझता हूँ कि इस पर कंसल्ट अगर हुआ होता या हुआ भी होगा तो पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था। मैं तो कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट चलने से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी, उसमें ही प्रस्ताव आया था कि इसमें हम नहीं करेंगे। ये मालूम था कि बिल लाने जा रहे हैं, 2016 अमेंडमेंट बिल जो था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, तो उस वक्त ही दिल्ली के पार्टी ऑफिस में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये हमने कहा कि हम इसका विरोध करेंगे, हम इसका सपोर्ट इस बिल के विरोध में रहेंगे। और इसका आज कल जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक पटना में मुख्यमंत्री निवास स्थान पर हुई, उसमें भी इस बात को दोहराया गया, और यही आधार था कि हम लोकसभा में नहीं किया और राज्यसभा में नहीं करेंगे। जी ठीक है, घनेन्द्र जी आप बताइए कि कांग्रेस का इस नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में क्या मत है, क्योंकि लोकसभा में तो कांग्रेस पार्टी वॉकआउट कर गई थी। देखिए तो अब आपको मालूम था कि पास हो जाएगा। अब मेरा सवाल ये कि राज्यसभा में आप इस बिल के खिलाफ वोट देंगे कि वहाँ भी वॉकआउट करेंगे? देखिए निश्चित तौर पर भारत जी जो भी ऐसा बिल जो देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को तोड़ने के लिए आएगा हम उसका विरोध करेंगे, संसद में भी और संसद के बाहर भी। हमने पहले भी कहा था, और अभी तो साथी बैठे हमारे JDU के तो अलायंस पार्टनर है, और दीवान साहब ने बड़ा अच्छा सवाल करा कि आपसे ये NDA की मीटिंग में डिस्कस हुआ नहीं हुआ। अफजल जी कह रहे हैं कि डिस्कस हुआ, लेकिन मैं कह रहा हूँ डिस्कस नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है, मैं अफजल जी मैं बता रहा हूँ, अभी तक 44 इनके अलायंस पार्टनर थे NDA के जब 2014 में इन्होंने शुरुआत करी थी, अब तक 14 भाग के जा चुके हैं, 4-5 चोर लाइन में खड़े हैं। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या? समस्या यही है कि वहां पे NDA नहीं चल रहा, वहां पे सिर्फ दो व्यक्तियों का शासन चल रहा है, दो व्यक्ति जो बोलते हैं सबको मानना पड़ता है, जो नहीं मानेगा वो बाहर कर दिया जाता है या खुद बाहर चला जाता है। भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या क्या है कि भारतीय जनता पार्टी RSS के एजेंडे पे चल रही है, RSS का एजेंडा फुलफिल करने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, कहीं किसी से कंसल्टेशन नहीं करना, कहीं किसी से विमर्श नहीं करना, जो मन में आया जो दिमाग में आया उसको लोगों पे थोप दिया। ये देश में लोकतांत्रिक सरकार नहीं चल रही, ये तानाशाही सरकार चल रही है। तानाशाही जब सरकारें आती है तो ऐसा ही होता है, वो किसी की नहीं सुनते। हमने पहले भी कहा था अगर आपको कुछ भी लाना है
आप सिलेक्ट कमेटी के पास लाओ, स्टैंडिंग कमेटी के पास लाओ, आप बिल पे चर्चा करो, सुझाव लो। लेकिन ऐसा नहीं होता। इस सरकार के साथ समस्या क्या है, पिछले 4.5 साल में 56 महीनों में ये सरकार चर्चा से भागती है, ये सरकार विचार विमर्श से भागती है। इस सरकार को लगता है कि अगर विचार विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, तो उसमें कमियां आएंगी और ओपोजिशन कहेगा तो हमें ओपोजिशन की बात माननी पड़ेगी। लेकिन वो नागपुर वालों को पसंद नहीं है। ये तो नागपुर की सरकार चल रही है, जो नागपुर का एजेंडा है उस पर इम्प्लीमेंट करने में लगे हुए हैं। और औरों के विचार भी, औरों के विचार भी सुन लेते हैं ना। तो दीपक, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था, इनकी बात काफी हद तक सही है। देखिए, 2016 में जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, इस पर चर्चा की गई, उस टाइम नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे। तब केंद्र सरकार ने ये कहा था कि हम इस बिल को बिना आप सब लोगों से कंसल्ट किए बिना हम इसको नहीं लाएंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ, ये बिल एकदम से लोकसभा में लाया गया, लोगों की मर्जी, उनको कंसल्ट किए बिना पेश किया। उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि मुझे लगता है भारत कि हम लोग फिर दोबारा असम एजिटेशन की तरफ जा रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, 30 तारीख को जो असम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, करीब 4 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत 3 घंटे का बंद किया जा रहा है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, सदाओ असम कर्मचारी परिषद, जो 1979 से लेकर 1985 तक सक्रिय रही थी, बहुत सक्रिय थी असम एजिटेशन टाइम। ये दोबारा एजिटेशन शुरू हो रहा है। अफजल साहब, आपकी पार्टी किसके ज़्यादा करीब है, बीजेपी के कि असम गण परिषद के? क्योंकि पटना में कल कहा गया है कि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम असम गण परिषद के साथ एकजुटता दिखाना चाहते हैं, सॉलिडारिटी दिखाना चाहते हैं। तो बीजेपी और एजीपी के बीच आप एजीपी को क्यों चुन रहे हैं? देखिए, एजेपी और बीजेपी का सवाल नहीं है। तो अभी सवाल आप पूछेंगे कि फिर भी क्वेश्चन कि हम बीजेपी के साथ हैं तो राम जन्मभूमि का जो बाबरी मस्जिद का मुद्दा है उसमें हम साथ दें, फिर कॉमन सिविल कोड की बात उसमें साथ दें, हम आर्टिकल 370 की बात है उसमें साथ दें। हमने हमारे पार्टी हम अलायंस पार्टनर जरूर हैं, एनडीए में हैं जरूर, लेकिन मेरा अपना असूल है, मैं अपने असूल पे काम करेंगे। मैं बता दूं, मैं आपको एक सवाल क्यों पूछ रहा हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप राज्यसभा में बीजेपी को एक रास्ता दे रहे हैं पीछे हटने का, कि अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, बिल वहां पे गिर जाएगा तो बीजेपी की नाक भी बच जाएगी और शायद हो सकता है कि पूर्वोत्तर राज्य में थोड़ी बची खुची जो जमीन है वोटों की वो भी बच जाएगी। वो ये सवाल तो बीजेपी के लोगों से पूछना चाहिए, लेकिन सवाल है कि हम जब पहले ही राज्यसभा लोकसभा से हम इसका विरोध कर चुके हैं, फिर तो फिर राज्यसभा में सपोर्ट करें, कोई सवाल ही नहीं पड़ता। मेरा मुद्दों के आधार पर समझौता और समर्थन है, तो मुझे अपने पार्टी के विचारधाराओं पे चलना, पार्टी अपने विचारधारा पे चले, जो उसका स्टैंड है उस पर चले, इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो उसमें बीजेपी बैकफुट पे चली जाएगी या फिर वहां पे लागू हो जाएगा, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का स्टैंड साफ साफ है, पार्टी अपने असूलों पर काम कर। दीपक, मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए हमने देखा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने SC ST एक्ट के कुछ प्रोविजंस को हटा दिया था और सरकार को लगा कि पूरे देश में दलितों का आंदोलन फैल गया है, तो उन्होंने रामविलास पासवान का इस्तेमाल किया, रामदास अठावले का इस्तेमाल किया, अन्य दलित नेताओं का इस्तेमाल किया, ये कहने के लिए कि नहीं नहीं, इसको रिस्टोर करिए, दोबारा पार्लियामेंट में बिल लाइए, अमेंडमेंट लाइए, और उसके बाद सरकार अमेंडमेंट बिल ले भी आई। तो दोनों की जय जय हो गई, रामविलास पासवान की भी हो गई, रामदास अठावले की भी हो गई और बीजेपी की भी। क्या यही काम आपको लगता है JDU करना चाह रही है राज्यसभा में? देखिए, JDU का एक इंटरेस्ट और भी है, असम में साइजेबल बिहारी पॉपुलेशन है। अच्छा। आपको याद होगा जब भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हिंदी भाषा के खिलाफ वहाँ पे लालू प्रसाद पहुँच गए, JDU के नीतीश कुमार भी वहाँ लोग भेजते रहे हैं, तो एक क्लोजनेस तो है वहाँ पे। और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये असमीज लोगों का साथ देने के लिए ये स्टेप लिया जा रहा है। और वैसे भी देखिए, इसमें जो आप कह रहे थे कि शायद अंदर की कुछ अंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है बीजेपी और JDU में, क्योंकि JDU हैज नथिंग मच टू लूज, इनकी सिर्फ वहाँ एक MLA की सीट है जो मंत्री हैं नागालैंड में, NSN लोथा कृषि मंत्री हैं, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ी सॉलिडारिटी लोगों के लिए दिखा रहे हैं और थोड़ा अपना वोट जो बैंक जो भी जितना भी है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब वोट की अगर बात करें तो जहाँ इस तरह के बर्निंग पॉइंट या बर्निंग टॉपिक इशू जब भी आए या महाराष्ट्र में भी आए, जब जो बिहारियों के साथ कुछ भी हुआ तो हमें हम खड़े रहे, हमारा जो गलत है तो उसे गलत के हम साथ नहीं देने वाले। हमारे हिसाब से लगता है कि गलत नहीं, गलत है,
हम उसका विरोध करेंगे। जिसको अच्छा लगता है कि ये सही है सपोर्ट करें, हम वोट के आधार पे, अगर वोट के आधार पे एक चीज बता दें आपको, चूंकि फ्लैश बैक में ले जाना चाह रहे हैं जी, कि पटना के सरजमीन पे इतना बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम माननीय मुख्यमंत्री ने किया था, जो 350 सिखों का, जो सिख धर्म का, यकीन मानिए मैं आपके ऑन एयर चैनल पे कह रहा हूँ कि कई लोगों ने कहा कि आप चलिए आप पंजाब से अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाइए, हम वहाँ जिता के भेजेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा कि नहीं, हमारा धर्म था कि हम इस प्रोग्राम को सफल बनाएं, और वर्ल्ड पैमाने पर मैसेज किया कि नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा काम किया। तो मैं वोट, ठीक है राजनीतिक पार्टियाँ वोट के काम वोट के आधार पर करती है, लेकिन वहां मेरा इंटेंशन वोट का नहीं है, हम वहां के आसामी भाषी लोगों की अस्मिता का सवाल उनके साथ हम खड़े हैं। धर्मनिरपेक्षता का तो सवाल है ना, कि आप धर्म के नाम पे सिटीजनशिप नहीं दे सकते। नागरिकता जो है भारत धर्म के नाम पे नहीं देता है, और पहली बार बीजेपी ऐसा काम कर रही है। तो क्या जेडीयू समझती है कि वो इसलिए इसका विरोध कर रही है कि पूरा जो हमारा हिंदुस्तान का आइडिया है, इंडिया का आइडिया है, उसको अटैक कर रही है ये सरकार? उस तरीके से आप क्यों नहीं कहते हैं? आप असम का क्यों मामला बना रहे हैं? पूरा भारत का मामला नहीं है क्या? मैं तो कह रहा हूं कि इस तरह की बातें जहां भी हो और जो लगता है गलत है, तो उसके हम साथ हम नहीं देने वाले हैं जी। नीतीश कुमार जी की अपनी एक पहचान है, पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है, उसी आधार पर हम काम कर रहे हैं। जी, आपको क्या लगता है, नूरा कुश्ती हो रही है कि ये सचमुच धर्मनिरपेक्षता के साथ खड़ी हुई पार्टी है, असम के लोगों के साथ? देखिए भारत जी, आपने बहुत बढ़िया एक सवाल करा कि ये सिर्फ असम के लिए या नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए एक ऐसा बिल लाया जा रहा है जहां आपको रिलीजन के हिसाब से डिवीजन करना पड़ रहा है। हमारे संविधान में नहीं है कहीं पे भी कि आप धर्म के नाम पे नागरिकता दो। हमारा संविधान तो सब धर्मों की बात करता है, और हमारे जेडीयू के साथी बैठे, आपको अपनी आइडियोलॉजी को चेक करना पड़ेगा, आपको अपनी आइडियोलॉजी को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप देश विरोधी ताकतों के साथ हो या नहीं हो, आप देश की धर्मनिरपेक्षता के साथ हो या नहीं हो। अब लोकसभा में ऐसा नहीं होगा, लोकसभा में वॉकआउट क्यों किया? मैंने लोकसभा में आपको विरोध करना चाहिए था। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं करा, मैं अपनी बात कह रहा हूं। लोकसभा में विरोध करना चाहिए था आपको, आप खाओ बीजेपी के साथ मिलके, और जब 17 साल तब आप बीजेपी के भलाई की बात, 16 साल से भारतीय जनता पार्टी का डीएनए वही रहेगा, आरएसएस का डीएनए वही रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। नीतीश कुमार उधर हो चाहे इधर हो, गणेश जी थोड़ी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखेंगे। ये चर्चा जारी रहेगी एक छोटे से ब्रेक के बाद। खेती किसानी और ग्रामीण भारत की खबरें लेकर मैं अनिक आर्यन हाजिर हूं। देश का पहला न्यूज चैनल जो बुलंद करता है किसानों की आवाज, उनके मुद्दे, उनकी फरियाद। धान उपजा कर रखे हुए हैं, लेने वाला नहीं है, किसान तो कर्जे में जा रहा है। खबरें ग्रामीण इलाकों की, मंडी, खेत, खलिहानों की। हम सब किसके बच्चे हैं? किसान के। शहरों में गाँव से आई आबादी की। सब बेरोजगार हैं। बातें सरकारी दावों की, पड़ताल कुछ आंकड़ों की। हमारे यहाँ केवल 20 दवाइयाँ हैं, और पूरी तरह से ये योजना प्रधानमंत्री जी की फेल है। अपने किसानों से जुड़ी हर बात। ये रेड एल्फिनो है, इसकी विदेशों के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड होती है। देखिए मेरे साथ रोजाना शाम 6 बजे किसान बुलेटिन में। चर्चा में फिर से आपका स्वागत है। घनेंद्र जी, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने आपको पहले रोक दिया था, आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, मेरा सवाल सिर्फ ये था कि पहले जेडीयू को तय करना है कि जेडीयू धर्मनिरपेक्षता के साथ है या खिलाफ है। जेडीयू सांप्रदायिक पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी, मैं नहीं कह रहा, आपके ही नीतीश कुमार जी कहते थे, आपके डीएनए में बीजेपी ने खोट निकाला था, आपके डीएनए पे मोदी जी ने सवाल उठाया था। ठीक है, वो विचारधारा चेंज होती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मलाई मलाई खाते रहो, मीठी मीठी चीज में आप बीजेपी के साथ हो, कड़वी कड़वी चीज में थूथू कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको अपनी आइडियोलॉजी चेक करनी पड़ेगी, आपको अपनी आइडियोलॉजी लोगों के सामने रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये देश की धर्मनिरपेक्षता से जुड़ा सवाल है, देश के संविधान से जुड़ा सवाल है कि आज ऐसे लोगों की सरकार चल रही है जो धर्म के नाम पर देश को बांटना चाहते हैं।
जो धर्म के नाम पे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि भारतीय, मैं भारत जी एक चीज बात कह के खत्म करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को पता चलेगा कि 2019 में उनकी विदाई इस देश के लोगों ने तय कर दी है। ठीक है, देखिए भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये 2019 का चुनाव किसी तरीके से सांप्रदायिकता के नाम पर लड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि 2019 से पहले देश में दो चार गोधरा हो, दो चार मुजफ्फरनगर कांड हो, कि हजारों लोगों की लाशें बिट जाए और उस पर भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बनाए। भगवान ना करे, भगवान ना करे, भगवान ना करे ऐसा हो, ऐसी बात बोलिए भी मत। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है ना, काम करने का कोई एजेंडा नहीं है। आपने अपनी बात कह ली, अफजल साहब को जवाब देने दीजिए। अफजल साहब, बात ऐसी है कि अगर आप धर्मनिरपेक्ष पार्टी हैं तो क्या कारण है कि इतने, जब आपका घोर विरोध है आर्टिकल 370 हटाने से, आप राम मंदिर का विरोध करते हैं, आप कॉमन सिविल कोड का विरोध करते हैं, आपने ट्रिपल तलाक पे इनका विरोध किया, अब इसमें विरोध कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि असम गण परिषद की तरह आप इनका दामन छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों पकड़ा हुआ है इसका दामन? क्या इसी बताइए, इनसे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय बैठे हुए, कल तक तो नीतीश जी साथ में थे तो बड़ी कसीदा पढ़ रहे थे, आज वो कम नीतीश जी कम नहीं लगा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने आप मुझे बोले, मैं खामोशी सुना था ना, कल तक नीतीश जी आपके साथ थे, आपके साथ थे तो कसीदा पढ़ रहे थे आप, नीतीश जी से अच्छा कोई नहीं है। दूसरी बात है कि आप फ्लैश बैक में जाइए, वाजपेयी से लेके अब तक ये सारे मुद्दे को अलग रख के, अलग अलग रख के हम लोग एनडीए में आए थे और आज भी जो नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, क्यों आए नहीं, नहीं, क्या जरूरत है नहीं, आपको सत्ता का इतना मोह है कि आप अपनी आइडियोलॉजी भूल जाएंगे? आप ही बता दिए कि जब वाजपेयी जी की सरकार थी उस वक्त ये तीनों मुद्दे, उस समय भी मैं आपसे यही सवाल पूछता, आज भी पूछ रहा हूँ कि अगर आप धर्मनिरपेक्ष हैं और अगर आप बीजेपी के जो कोर इशू है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और किसी पार्टी से धर्म निष्ठा का जो है सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट नहीं, मैं तो कह भी नहीं रहा, मैं तो खाली आपसे पूछ रहा हूं, नहीं कह रहा हूं इन लोग कांग्रेस वालों को, माननीय मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा था कि सी कांग्रेसिज्म करप्शन और क्राइम से किसी भी कीमत पे हम समझौता नहीं करते, ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में उन्होंने कहा था। तो ये आपको जब जग जाहिर ऑन एयर बोल रहे हैं, पूरे मीडिया बोल रहा है, तो आप इसके सर्टिफिकेट, आपके सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है, हम किस गठबंधन में है, बहुत सी पार्टियां गठबंधन में, बहुत से आपके साथ भी यूपीए में बहुत से गठबंधन में लोग थे, लेकिन सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है, अपनी आइडियोलॉजी का कंपल्शन है, गठबंधन का कंपल्शन है। दीपक, मैं आपसे पूछता हूँ, दो तीन हफ्ते पहले तक बीजेपी का ये मानना था कि पूर्वोत्तर राज्यों में उनका प्रभाव इतना घना है, इतना अच्छा है कि 25 लोकसभा में से 20 लोकसभा सीटें वो तो 2019 में अवश्य जीत जाएंगे। लेकिन आज इस नागरिकता संशोधन बिल के बाद क्या आप कह सकते हैं कि आज भी बीजेपी उसी कॉन्फिडेंस के साथ, विश्वास के साथ ये कह सकती है कि 25 में से 20 सीटें मिल जाएंगी? बिल्कुल नहीं, ये जो बिल का मामला है उसने पूरी जो वहाँ की सिचुएशन बदल दी है। बीजेपी बड़ी मुश्किल से कोशिश कर रही है, हाथ पांव मार रहे हैं इधर उधर, किस तरह से सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि असम में फिर असम एजिटेशन टाइप सिचुएशन हो रही है पैदा, और अभी कल की खबर है कि 3 नौजवान और अल्फा को ज्वाइन किए हैं, और वहाँ के लोकल जो मीडिया कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये सब नाराज होके ये बिल की वजह से ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं अंडरग्राउंड को। तो वो ये इस तरह की सिचुएशन पैदा होने से क्या होगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा बीजेपी के लिए। मैं खुद बोला था कि 25 में से बीजेपी शायद 21 से ज़्यादा सीटें ले जाएगी, मगर आज वो स्थिति बिल्कुल नहीं है। अगर ये बिल को अगर टाल भी देते हैं, लटका के भी रख देते हैं, तब भी मेरे ख्याल से लोगों में बदलाव लाना बहुत मुश्किल है। शायद इसीलिए हमारे मित्र जेडीयू वाले अभी, ये हमेशा जेडीयू इलेक्शन से पहले अपना मित्र ढूंढते हैं, मुझे लगता है कि ये भी एजीपी की तरह शायद दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया। आप कह रहे थे ना इधर उधर, नहीं ठीक, उनसे पूछेंगे अभी दूसरी तरफ देख रहे हैं कि नहीं। पर इसी जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है कि जो शांति व्यवस्था पूर्वोत्तर राज्यों में बनी हुई थी घनेन्द्र जी, आज वो खत्म होती भी लगती है। देखिए असम अकॉर्ड कितनी मुश्किल से हुआ, मिजोरम अकॉर्ड कितनी मुश्किल से हुआ, नागा वार्ता को चलते चलते 20 साल से अधिक होने को आ गए हैं, 21-22 साल हो गए हैं। इसी तरह से वहाँ पे कितने ऐसे जाति पे, ट्राइब पे बेस ग्रुप्स हैं जो शांत पड़ गए थे, जो ख़त्म हो गए थे, लेकिन आज एक स्थिति क्या ऐसी उत्पन्न हो गई है कि वो फिर से उभर कर सामने आ सकते हैं। अलगाववादी ताकतें जो कहती हैं कि हमें अलग रहना है, हमें भारत में नहीं रहना है। अभी कलकत्ता की मीटिंग में जोरम पीपल्स पार्टी के नेता ने तो कह दिया था कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो मिजोरम के लोगों को सोचना पड़ेगा, हम भारत के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। तो इतनी बड़ी आग लग चुकी है, क्या आपको लगता है ये और फैलेगी और इससे नुकसान होगा?
देखिए भारत जी, मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का डीएनए ये है कि वो देश को तोड़ने में विश्वास करते हैं। वो चाहते हैं कि इस देश में हमेशा डिवीजन की पॉलिटिक्स हो, क्योंकि डिवीजन की पॉलिटिक्स में उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक लाभ मिलता है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रॉफिट मिलता है। नहीं, पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी भारत की अखंडता की बात भी करती है, यूनिटी की बात भी करती है, तो ये तो पूरी अखंडता खत्म हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का डीएनए समझ लो, भारतीय जनता पार्टी का डीएनए ये, आरएसएस का डीएनए ये कि आरएसएस चाहते हैं कि देश में डिवीजन पॉलिटिक्स हो। ये लोग गोरे अंग्रेज चले गए, काले अंग्रेज देश में आ गए हैं, ये फूट डालो शासन करो की नीति में विश्वास करते हैं। ये चाहते हैं कि देश का हर राज्य कहीं ना कहीं कट जाए, हर राज्य में कहीं ना कहीं सियासत इस बात पे हो कि ये धर्म है, ये संप्रदाय है, ये जाति है। ये लोगों को धर्म में, जाति में, संप्रदाय में बांटने में विश्वास करते हैं। मेरे पास समय खत्म हो रहा है, समय खत्म हो रहा है। अफजल भाई की बात का जवाब दे दूं, अफजल भाई मैंने नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करी, मैं उनकी पहले भी रिस्पेक्ट करता हूं, आज भी करता हूं। मैंने डीएनए में खोट नहीं निकाला था, डीएनए में खोट तो मोदी जी ने निकाला था। मैं तो आपको याद दिला रहा हूं कि कैसे कैसे हादसे हुए, उन हादसों के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो, इसलिए आपकी निष्ठा पर सवाल उठता है, इसलिए आपके ऊपर सवाल उठता है। अफजल साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपके पास आ रहा हूं, मोदी जी ने निकाला था। एक मिनट गीतम, दीपक दीपक दीवान से पूछ रहा हूँ, दीपक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो पूर्वोत्तर में ये गुस्सा फूट रहा है, क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने वहाँ की अलगाववादी ताकतों को बहुत नजदीकी से पढ़ा है, आपको लगता है कि सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो पहले दब गई थी, बैठ गई थी, अब दोबारा से उनका वर्चस्व बन सकता है इस इलाके में, दोबारा से वो लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकती हैं और दोबारा से पूरे देश के लिए, उसकी यूनिटी के लिए, इंटीग्रिटी के लिए खतरा पैदा हो सकता है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में अगर आप देखें, उनका मेन मुद्दा क्या रहा है, उनका लैंड, उनकी आइडेंटिटी और उनका जो कल्चर प्रिजर्व होना चाहिए। अगर इनर लाइन परमिट क्यों लगा हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल में इनर लाइन परमिट है, मिजोरम में इनर लाइन परमिट है, नागालैंड में इनर लाइन परमिट है, ताकि वहाँ के लोगों को, बाहर के जो लोग हैं वो इन्फ्लुएंस ना कर पाए। अब अगर आप इस तरह के बिल लाएंगे, नेचुरली वो लोग, ठीक है समय समाप्त हो रहा है, बट अफजल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप एक सेंटेंस में कह के अपनी बात आपके सामने रखी, प्लीज। लंबी बात हो जाएगी, मैं इतना कहता हूँ कि ये कि बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ कि अगर इस पर अगर नहीं सोचा गया और भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं सोचे तो एक एक बड़ी आग लगने की संभावना बन रही है, मुझे लगता है इसमें, तो इस पर विचार करना चाहिए और हम इसके विरोध में हैं। ठीक है, तो क्या इनका साथ छोड़ देंगे आप? नहीं, साथ नहीं छोड़ेंगे, मुद्दे की बात है, दूसरी बात हो जाएगी दीपक, उसको छोड़ दीजिए। वो कह रहे हैं कि वो नहीं चाहते ये बिल पास हो, वो नहीं चाहते हैं कि भारत की अखंडता पे कोई ठेस है, या असम की अखंडता पे, या असम के कल्चर पे कोई ठेस है। लेकिन इसके साथ ही इस चर्चा का समय समाप्त हो चुका है, आज बस इतना ही। मैं अपने सब मेहमानों का धन्यवाद देता हूँ, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।